क्या आपके मसूड़ों में तकलीफ है? हाँ। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? टूथपेस्ट में नमक? हाँ, कोलगेट एक्टिव सॉल्ट में नमक है। अब तुम सोचो, तुम किसी मॉल में गए और वहां पर शॉपिंग काउंटर पे खड़े खड़े तुम्हारे दांत में एकदम से दर्द हो और सामने वाली सेल्स गर्ल ये करके तुमसे पूछे क्या आपके मसूड़ों में सड़न है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। मसूड़ों में तकलीफ? हाँ। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक के साथ डीप क्लीन एहसास है? डीप क्लीन एहसास? डीप क्लीन एहसास? हाँ, कोलगेट एक्टिव सॉल्ट देता है डीप क्लीन एहसास। पता नहीं कब से फ्रिज में घात लगाए बैठे होंगे ये लोग कि किसी के तो मसूड़ों में तकलीफ हो तो हम बाहर निकले, क्या आपके मसूड़ों में तकलीफ है? और भाई एक बात बताओ, पहले तो सिर्फ टूथपेस्ट में नमक था, अब टूथपेस्ट के साथ डीप क्लीन एहसास? वाह। पीला? क्या आपके दांतों में पीलापन है? क्या आपके टूथपेस्ट में नींबू और नमक है? नींबू और नमक? हाँ, कोलगेट एक्टिव सॉल्ट हेल्दी व्हाइट में है नींबू और नमक। पहले टूथपेस्ट में नमक आया, फिर टूथपेस्ट में नमक और डीप क्लीन एहसास आया, और अब टूथपेस्ट में नमक के साथ नींबू भी आया। नहीं नहीं नहीं, क्या क्या समझ क्या रखे हमको, पागल बना रहे हो हमको। खून? मसूड़ों से खून? पायरिया? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक और नीम है? नमक और नीम? हाँ, नए नीम युक्त कोलगेट एक्टिव सॉल्ट में है नमक और नीम की शक्ति। कभी कोई दीवार के आर पार आ रही है, कभी कोई फ्रिज में से निकल रही है, कोई पेड़ से कूद रही है, मेरे को तो डर लगता है साला कहीं हगने बैठूंगा, पॉट के अंदर से प्रकट होकर कोई ना पूछे क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। अरे भाई, मेरे टूथपेस्ट में नमक, नींबू, लौंग, इलायची, नीम, तुलसी, अदरक, लहसुन, केला, संतरा, आम पन्ना, ये पन्ना, वो पन्ना, करिश्मा तन्ना, सब मिलेगा, जो बोलो तुम्हें सब है। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एड्स की और उनके महान लॉजिक की, जो कहीं होता ही नहीं। मतलब इंडियन एड्स में कोई लॉजिक? अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रही तुमने, इंडियन एड्स और लॉजिक को एक साथ बोल दिया, अरे तोहीन है। आज सत्संग होगा वाणी पर। वाणी बाबा, बच्चे का नाम? बाबा बच्चे का नाम? वाह, क्या नाम है बाबा? हो गया हो गया, जाओ। रस्तोगी, यस मिस। तो बाबा खांस रहे थे तो बच्चे का नाम पड़ गया, और जब भी कोई करता है तो ये बच्चा रिस्पॉन्ड करता है बिकॉज इसका नाम है। अब तुम यही सोचो, अगर बाबा पादरे होते तो इस पूरी दुनिया में जब भी कोई हगने बैठता ये बच्चा तो भाई पागल हो जाता लोगों को रिप्लाई कर करके। कैसे ये इंडियन एड मेकर्स ऐसी चीजें कैसे सोच लेते हैं? आज उहू की शादी है, मेरे उहू उहू की शादी है, हे भगवान। नहीं मतलब दिमाग से तो कोई इंसान ये चीज नहीं सोच सकता, ये जरूर कोई स्पेशल बॉडी पार्ट है जहां से सोचा जाता है। बाय। जी? कुछ नहीं, घर चलाना। बाबा होता है जी बाबा, इसका नाम होगा ग्लाइकोडिन। उत्तम नाम बाबा, बाबा क्या नाम दिया है? खांसी की छुट्टी। क्या फूक के लिखी होगी लिखने वाले ने यार, मतलब तालियां यार, सही में दिस डिजर्व्स एन ऑस्कर। नहीं मतलब पिछली बार तो बाबा खांस रहे थे तो बच्चे का नाम पड़ गया, इस बार तो बाबा को खांसी भी बहुत भयंकर वाली थी तो तुम सोचो बच्चे का नाम पड़ जाता, ओह शिट, दैट वुड हैव बीन सम डोप शिट मैन। घटना के घटने के टाइम क्या आप यहीं बैठी थी? यस। तो हुआ क्या था? कर्टन के पीछे से उसने मुझे अटैक किया। चोर के हाथ में चाकू और आपके हाथ में सिर्फ अंगूठी।
डिफेंड कैसे किया? ऐसे कैसे? बजाज का पंखा, कर दे सबको हक्का बक्का पक्का। You mean this fan? बजाज का ब्यूटीफुल पंखा, कर दे सबको हक्का बक्का पक्का। अब यार मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि ये जो एड में इन्होंने पंखा दिखाया, एज इट इज सेम पंखा मेरे घर पे लगा हुआ है, बजाज का वही पंखा, एज इट इज सेम। लेकिन अब क्या होगा अगर मैं इसकी तरफ देखूंगा तो मैं क्या पागल हो जाऊंगा? मतलब एड बनाने के लिए कुछ भी बनाते हैं। लो मैंने देख लिया, हाँ, 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 हाँ। इस सदमे से रिकवर होने में पूरे 2 घंटे लगे मुझे। ओह शिट, ये एड तो बिल्कुल सच निकली। भोलू, ये दिन में अपने पेट के लिए जीता था, पर रात को अपने सपने के लिए। कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से आखिर उसका सपना साकार हो ही गया। मुझे मैं सबूत है, गवाह बयां, ये तो मर्डर है। ये नहीं बदलेगा, पर ये बदलेगा डोरेमोन फ्लिपकार्ट। फ्लिप करोगे तो फोटो बदलेगा। इसके पीछे मजेदार गेम्स भी हैं। डोरेमोन फ्लिपकार्ट, क्रीम फिल्स के साथ फ्री। 2 मिनट की ये एड देखते हुए तुम्हें कहीं भी इतनी सी भी 1% भी हिंट आई थी कि ये एड डोरेमोन के फ्लिपकार्ट की है? नहीं, मतलब पूरी एड दिखाने के बाद अचानक से बोल दो भाई ये तो डोरेमोन के फ्लिपकार्ट की एड थी। नहीं कोई रिलेशन नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं, बस अभी बनानी है एड। और सबसे बड़ी बात, तुम क्या कहना चाहते हो कि एक सब्जी वाला वकालत नहीं कर सकता? नहीं मतलब एक बंदा अगर अपनी पूरी जिंदगी सब्जियां बेच रहा है तो वो वकालत करते हुए भी सब्जियां बेचेगा? आलू है, मटर है, टमाटर है, ऐसे कौन बोलता है? ये ऐसे कौन होता है? ये तो तुम दिखाना चाहते हो कि गरीब तरक्की नहीं कर सकते, ये तो साजिश है गरीबों के खिलाफ, हमें सबको मिलकर इसके खिलाफ मोर्चा निकालना पड़ेगा, क्रीम फिल्स को हम बंद करवाएंगे, ऐसे कैसे ये गरीबों को दिखा सकते हैं, ये तो गलत है। सूजी और मैं 2 साल से डेटिंग कर रहे थे, We were in love. कभी पिक्चर एक्चर, कभी लेक्चर शेक्चर, so much in love. लड़कियों को सूजी बहुत पसंद थी, पर लड़के अबे ये कौन है? गर्लफ्रेंड है मेरी, तेरी भाभी होने वाली है। चश्मा चेक करा ले अपना। सब चलते थे, नंबर चेक करा ले तेरा। फिर मैंने सुना कि lenskart.com पे लेजर प्रेसिजन से बने लेंस होते हैं, सोचा यहीं से ले लेते हैं। lenskart.com पे है 100% accurate lenses. lenskart.com, log on, play on. सूजी तो तुम मेरे को कह रहे हो कि अगर किसी के चश्मे का नंबर बढ़ गया तो उसको कुत्ते भी इंसान लगने लगेंगे? 1 सेकंड, अभी मैं कहूँ मेरे दोस्त मेरे ऊपर आजकल भौंक क्यों रहे हैं? क्योंकि कुत्ते तो वो थे ही, लेकिन साले सच के कुत्ते तो नहीं। ओ शिट, हो सकता है मेरे भी चश्मे का नंबर बढ़ गया हो। नहीं मतलब क्या दिखाना चाहते हो यार, एड के नाम पे तुम कुछ भी बनाना चाहते हो। मैं कह रहा हूँ तुम्हें इस एड में कहाँ लॉजिक है? चश्मे की एड है तो तुम दिखाओ वो टक 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 करके वो चश्मे बदल रहे हो उसके आंखों के ऊपर, वो नए चश्मे ट्राई कर रहे हैं। नहीं मतलब लेंस का नंबर बढ़ गया है तो कुत्ता उसको इंसान लगने लगे, ये कैसे हो सकता है यार? मुझे सच्ची में समझ नहीं आता यार, ये एड लिखने वाले क्या खाते हैं, क्या फूंकते हैं, नहीं मतलब सोच कैसे लेते हैं ये ऐसी चीजें। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी एड्स बेकार है, कुछ एड्स एक्चुअली में क्रिएटिव है, कुछ एड्स एक्चुअली में फनी है, लेकिन फिर कुछ एड्स होती है जिनको देख के सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, ये क्यों है? खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर तुमको वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक वाले बटन को दबाओ। इस वीडियो पे एम करते हैं 5000 लाइक्स, 5000 लाइक्स फॉर फनी इंडियन एड्स पार्ट 3 के लिए 5000 लाइक्स। और नए हो सब्सक्राइब नहीं करा तो यार कर लो सब्सक्राइब, और बेल वाले आइकन को दबा दो नोटिफिकेशंस के लिए। कमेंट्स में बता दो वीडियो कैसी लगी, कौन सी आर्ट तुम्हें एक्चुअली फनी लगी और कौन सी आर्ट सबसे बेकार लगी। अगली वीडियो में मिलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। धमोरियों ने तुझको जकड़ा, खुजली ये है तुझको पकड़ा, कोई तो हमें बचा ले।